यूनिट इसराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जानी जाती है और इसी बिल्ली बटालियन ने हमास के हमले को पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया। इस बिल्ली बटालियन में 70% से ज्यादा कमांडो लड़कियां हैं। ये लड़कियां इसराइल में शेरनी कही जाती हैं। इसराइल की इस फोर्स को असल में काराकल बटालियन कहा जाता है। ये बटालियन इतनी खतरनाक है कि जिस मिशन को पूरा करने की ठान ले उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। इस बार भी यही हुआ। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद बिल्ली बटालियन एक्टिव हुई और उसकी 13 कमांडो लड़कियों ने हमास के 100 लड़ाकों को मार दिया। IDF की महिला कॉम्बैट फोर्स की ये टीम कैसे काम करती है, इसको कमांड कौन करता है, काराकल यानी बिल्ली बटालियन में शामिल होने के लिए महिला जवान को कितनी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिल्ली बटालियन के ऑपरेशन हमास के बारे में जान लीजिए। कि कैसे सिर्फ 13 कमांडर ने हमास के मिशन को पूरा होने से पहले उसे फेल कर दिया। हमास के हमले की जानकारी मिलते ही कर्नल बेन यहूदा अपने 13 सैनिकों के साथ मिस्र की सीमा के पास इसराइल के सूफा मिलिट्री बेस पर पहुंची। यहीं पर हमास ने हमला किया था और वहां पहुंचते ही इस बिल्ली बटालियन की कमांडो ने लड़ना शुरू कर दिया। सूफा मिलिट्री बेस पर पहुंचने पर बिल्ली बटालियन ने देखा कि हमास ने कम से कम 50 इसराइली सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई। इसराइल का दावा है कि लगातार 4 घंटे तक फायरिंग में कर्नल बेन यहूदा और उनकी साथी कमांडर ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान बिल्ली बटालियन के कुछ कमांडो भी घायल हो गए, लेकिन कर्नल बेन यहूदा का इरादा डिगा नहीं और वो डटी रहे। इस दौरान इसराइल की नेवी के एक कमांडर भी हमास से लड़ने सूफा मिलिट्री यूनिट पहुंच गए। ये लड़ाई करीब 14 घंटे तक चली, जिसमें बिल्ली बटालियन ने 100 हमास लड़ाकों को मार गिराया और अपने साथी सैनिकों को भी छोड़ा लिया। 14 घंटे का यह ऑपरेशन इसराइल के सैन्य इतिहास में बड़ा मुकाम पा चुका है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे इसराइल में कर्नल बेन यहूदा और उनकी टीम हीरो बन गई है। हर कोई इसराइल के इस बिल्ली बटालियन की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कर्नल बेन यहूदा इतनी बहादुरी के साथ लड़ी और अपने सैनिकों की जान बचाई। साल 2014 में भी बेन यहूदा मिस्र बॉर्डर पर इसी तरह के ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध में एक दुश्मन को मार गिराया था।